देता हूँ पिंडी में दावत, इजी हो जाओ नहीं कोई थकावट, पिंडी बुलाऊंगा चाय बनाऊंगा, चाय बना के मैं सबको पिलाऊंगा, चाय पिला के मैं सबको नचाऊंगा, जानी फिर तुमको मैं सेवर सिखाऊंगा, सेवर से होके फिर तुमको मैं 70% डोज की सैर कराऊंगा। Yo. परदेसी स्क्वाड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर बॉय मोहसिन अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वर्चुअल गाइड। वेल, आपका भाई और भाई का भाई रिजवान अली। हम आज जा रहे हैं भाई इस्लामाबाद। इट्स माय फोर्थ मंथ इन पाकिस्तान और इन चार महीनों में मेरी ये दूसरी ड्राइव है टू इस्लामाबाद। पहला ड्राइव था इस्लामाबाद टू एबटाबाद, वो तब जिस दिन मैं दुबई से वापस पाकिस्तान आया। तो आज हम जा रहे हैं कुछ दोस्तों को मिलना है और कुछ सामान वगैरह लेना है और वी आर गोइंग थ्रू द सी पैक रोड, जिसको यहाँ पर पता नहीं क्यों मोटरवे भी कहा जाता है। सो एबटाबाद से इस्लामाबाद का जो मोटरवे या सी पैक रोड है उसके थ्रू हम जाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत टनल्स आते हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ आते हैं, वो आपसे शेयर करेंगे और हमारी पिंडी में क्या एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाएँ। तो ये कार्ड है जो आपको मोटरवे पे इंटर होने से पहले, सॉरी सी पैक पे इंटर होने से पहले लेना पड़ता है। फोकस 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 नहीं हो रहा है। तो ये कार्ड है समथिंग राइट, जिसके हिसाब से चार्जेस डिसाइड किए जाते हैं जी। जिस जगह पे भी एग्जिट होंगे ना उस हिसाब से चार्जेस, आप कहीं पर भी एग्जिट होते हैं फॉर एग्जांपल हसन अब्दाल, हरिपुर, पिंडी, इस्लामाबाद, उस हिसाब से चार्जेस की कटिंग होंगे, टोल टैक्स बोलते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह पिंडी में पिंडी से एग्जिट होंगे तो उस हिसाब से कटिंग। ये रहा व्यू भाई, तो जितने भी खूबसूरत व्यूज़ आते हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। राइट टूवर्ड मानसेरा, लेफ्ट टूवर्ड इस्लामाबाद। एक्सप्रेस वे इस वक्त हम इंटर कर चुके हैं एंड दिस रूट विल टेक अस टू इस्लामाबाद। और इस वक्त टाइम हो रहा है 9:40। सी पैक का रोड जिस वक्त नहीं था तो इट्स टेक ऑलमोस्ट 2 hours from Abbottabad to Islamabad, जब GT road से हम जाया करते थे। इस वक्त अब 9:40 पे हम लोग मोटरवे पे एंटर हुए हैं, तो जिस वक्त एग्जिट होंगे तब का टाइम आपको बताएंगे। इट्स टेक 1.5 या ऑलमोस्ट 1 hour अगर आप 120 या 110 की स्पीड से जाते हैं। आप हज़ारा मोटरवे को 110 से नहीं क्रॉस कर सकते क्योंकि इसमें अप एंड डाउन है, पहाड़ को काट के बनाया गया है। जिस वक्त हम लोग हवेलिया से आगे स्टार्ट हो गए ना, 120 की स्पीड से हम जा सकते हैं। तो दैट्स द व्यू भाई लोग, तो आगे चलते और जो अच्छे व्यूज़ आएंगे वो सारे हम कैप्चर करके आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए अभी बोर्ड आ रहा है कि हमारा रास्ता कितना है। हवेलिया तक 27 किलोमीटर और इस्लामाबाद तक 142, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अगर आप जीटी रोड से जाते हो दैट्स 170 या 169 समथिंग, इस तरह से कुछ है। जीटी रोड से इस्लामाबाद, हाँ 169 नहीं है, वो भी 139 है एबटाबाद से। अच्छा, हम लोग जो है मानसेरा से एंटर हुए ना, मानसेरा से एंटर हुए हैं टनल दिखाने के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को। यार बहुत ही खूबसूरत टनल एक आता है यहाँ पे और सुना है उसके बारे में, मैंने अभी तक पर्सनली देखा नहीं है। तो इट्स इवन माय फर्स्ट यू नो रूट जी थ्रू दैट, जी थ्रू पे ट्रैफिक जो है वो काफी होती है ना, और दैट्स व्हाई टाइम लगता ही है मोस्टली। देखो यार खूबसूरत पहाड़, मतलब पिछले बहुत सारे व्लॉग्स में सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों की बातें हो रही हैं यार। आज लाइट बड़ी अजीब सी हो रही है यार, ये देखो कहीं पे आग लगाई हुई है। लाइट नहीं आपको शीशा, नहीं नहीं वो ऊपर ही रख, आवाज नहीं आएगी सही। यार एक तो व्यूज़ इतने खूबसूरत मिल रहे हैं ना हमें कि कुछ भी छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, बट रास्ता बहुत लंबा है तो हर चीज़ तो हम दिखा नहीं पाएंगे एंड और कैमरे की आँख इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकती जो व्यू हम इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा तो रिजवान मुझे अभी एक चीज़ बता रहे थे कि ये देखो ये जो लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, इसके बीच में आप देख रहे हो बोरियाँ पड़ी हैं, ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है ये बैग्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और इसके बीच में जो है ना बीच वगैरह बीन्स वगैरह डालेंगे। ये देखो फिर इस तरह से फट के ये पौधे निकल रहे हैं। फर्स्ट टनल, तो फर्स्ट टनल हमारा आने वाला है। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर लाइट है,
सेकंड टनल है ना ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का, उसके अंदर लाइटिंग बड़ी अच्छी है। अच्छा अच्छा चलो, सो ये एप्टाबाद टनल 2 394 मीटर की ये लंबाई रखता है ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर। चाइनीज दिमाग पे मैं हैरान हूँ यार, क्या मतलब जबरदस्त यार, ऑसम ऑसम वर्क। ये पहला टनल है, सेकंड टनल में उसमें लाइटिंग है, उसमें अच्छी लाइटिंग है। लॉन्ग लिव पाक चाइना फ्रेंडशिप है। और यहाँ पर गाड़ी स्लिप भी होती है। तो गाइस दिस इज द टनल नंबर 2 ऑलमोस्ट, जिसमें अभी हम एंटर होने वाले हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर। सो आपको इसका हाइपर लूप दिखाते हैं। यार सीन कुछ इस तरह ना कि भाई क्योंकि ये सारा उतराई का रास्ता है अब्दाबाद से जाते हुए, तो ये देखो ये इमरजेंसी क्लाइम्ब यहाँ पे बनाए गए हैं जो कि 500 मीटर के बाद आता है, क्योंकि ये पूरा रास्ता यू है, नीचे की तरफ उतरता है। सो अगर गॉड फॉरबिडन किसी गाड़ी की किसी ट्रक की ब्रेक्स फेल हो जाती है, ब्रेक्स काम नहीं करती, सो उसको रोकने के लिए यहाँ पर बनाए गए इस तरह के क्लाइम्स, ये देखो सामने आ रहा है। तो गॉड फॉरबिडन अगर आपकी ब्रेक फेल हो जाती तो यहाँ से सीधा ऊपर जाओगे, तो ये चढ़ाई आपको रुकने में हेल्प आउट करेगी। हम इस वक्त हम इस्लामाबाद के रूट को ज्वाइन करने वाले और यहाँ से लाहौर और इस्लामाबाद का रास्ता जाता है। इस वक्त हम एब्टाबाद के मोटरवे से, मतलब मोटरवे से निकल के एब्टाबाद से इस्लामाबाद एंटर हो चुके हैं। और एब्टाबाद से इस्लामाबाद का जो टोल लगता है दैट्स 190 रुपीज़ दिरहम बोलने वाला था फ्रॉम एब्टाबाद। सो एब्टाबाद से इस्लामाबाद अगर आप बाय एक्सप्रेस रोड आते हैं एक्सप्रेस वे तो 190 इज़ द टोल। और इस वक्त हम जा रहे हैं इस्लामाबाद कुछ दोस्तों को मिलना है, और इस्लामाबाद आओ यार पिंडी आओ सेवर में चले पॉसिबल नहीं है, सो कुछ इंजॉयमेंट होगा। मैं इस ब्लॉग को 2 ब्लॉग्स में लेके जाने वाला हूँ, कोशिश करूँगा एक भी रखूँ वरना कंटिन्यू वर्जन रखेंगे इसका, मिलते हैं थोड़ा आगे चलते। हाँ तो बाबा जी इस वक्त हमें पिंडी में और पिंडी की ड्राइविंग हो रही है ना सुपर क्रेजी, कहीं से भी कोई भी गाड़ी या कोई भी बाइक इवन कोई भी साइकिल आ सकती है, बट लविंग दिस मैन न्यू एक्सपीरियंस। और मैं पहली बार रावलपिंडी में ड्राइव कर रहा हूँ, देखो थोड़े से नज़ारे देखो, ट्रैफिक के नज़ारे देखें ट्रैफिक के। इस वक्त हम लोग कक्कड़ प्लाजे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से कुछ शॉपिंग का मूड बन रहा है, क्लासेस वहाँ से अच्छी मिलती हैं, ओरिजिनल ब्रांडेड ए क्लास क्लासेस लेनी है। हाँ और कुछ रिस्ट वॉच भी देखेंगे, कैथोलिक चर्च आपको दिखाते हैं, ये सेंट पॉल्स चर्च इसका नाम है यार, ये कब बना है कैसे बना है क्यों बना है वो हमें नहीं पता लिटरली, लेकिन यहाँ पर सेंट पॉल चर्च है। क्यों बना है ये तो पता है, हाँ क्यों बना है वो पता है, कैसे बना है कब बना है ये नहीं पता, ये नहीं पता। स्वीट सी स्टोरी आपसे शेयर करनी थी, हमारे कुछ अजीज दोस्त हैं जिन्होंने एक बार एक सिनेमा में मूवी देखी और उन्होंने बाद में रिजवान को कॉल किया कि यार हमने जो है ना आज सीएनआईपैक्स में फिल्म देखी है, बड़ा मज़ा आया। तो इधर समझते रहे कि ये सीएनआईपैक्स क्या है, बाद में समझ आया कि क्या है सिनपैक्स, तो सिनपैक्स को वो सीएनआईपैक्स के नाम से मतलब। उन अजीजों से भी कभी मिलवाएंगे? नहीं नहीं वो वीडियो में देख चुके, नाम में बताऊंगा ना, देख चुके। हेयर पीसी होटल रावलपिंडी कॉन्टिनेंट। तो हम लोगों ने गखड़ प्लाजा जाना था तो बाई मिस्टेक हम लोग वहाँ से आगे आ गए, तो अभी हम लोग को एक यू टर्न लगाना पड़ा है और यू टर्न लेके हम दोबारा गखड़ प्लाजा की तरफ। यार वो एक्चुअली सीएनआईपैक्स की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हम खो गए हम लोग खो गए हम गखड़ भूल गए, हमारा फोकस बिल्कुल कैमरे पे था, हम लोग आ गए यार। सो यार इस वक्त हम पहुँच चुके हैं पिंडी गखड़ प्लाजा के करीब, वो पीछे गखड़ प्लाजा है, कुछ दोस्तों का इंतज़ार है, उनसे मिलता हूँ, आपको मिलवाते हैं राइट। और कुछ छोटी शॉपिंग है तो मैं ब्लॉगिंग सेटअप गाड़ी में रख रहा हूँ, सिर्फ हम कैमरे से काम लेंगे और कुछ ना कुछ
अच्छा पेश करते हैं आपके। चलो मेट अ वेरी टैलेंटेड गाय है, इनके पास बैग है और ये अभी हमने इनसे लिए हैं राइट। इनको मैंने अपना वेरी गुड इनको मैंने अपना टॉमी का चश्मा दिखाया ठीक है, और मैंने इनको बताया कि यार $600 का, इन्होंने $1200 के ही चश्मे दिए। क्यों खान भाई ऐसा ही है? ऐसा ही। अच्छा और ये बाकी कितने वाले? ये अपना कबीर सिंह वाला कैसे? $1200 के मिल जाएगा $600। ये $600 का यार, देखो कबीर सिंह किसी को बचना है तो ये भाई का चेहरा देख लो जब आप आओगे ये पिंडी में ठीक है, गखट प्लाजा से पहले। ये भाई साहब जन्नत मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट खड़े ठीक है। तो गाइज इस वक्त हम वेट कर रहे हैं अपने दोस्तों का, रिजवान मेरे साथ है और हमने प्लान किया है जब तक वो आते हैं, क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, वी आर गोइंग टू हैव लेमन सोडा, तो लेमन सोडा पे आपसे मिलते हैं। यार इस वक्त हमारा लेमन सोडा जो है वो तैयार हो रहा है ठीक है, बहुत ही हाइजीनिक लेवल जो है ना वो 200% हाई है, तो व्हेनेवर यू ट्राई दीज थिंग्स प्लीज मेक श्योर दे आर वेरी हाइजीनिक। जब तक हमारे दोस्त नहीं आए थे हम इंजॉय करने लगे लेमन सोडा। आई होप आपको जर्नी फ्रॉम एबटाबाद टू इस्लामाबाद वाया मोटरवे पसंद आया होगा। वैसे ही छोटा सा मैं कह मोटरवे का आपको व्यू करवाया जाए और थोड़ा सा रास्ते में गपशप की जाए। बाई मीन्स ऑफ एनी चांस अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो गो अहेड एंड लाइक एंड शेयर, कमेंट जरूर करना कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, दोस्त आ जाओ हम नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करेंगे, एंड टिल देन सी यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's